हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शेख अहमदुल्ला बोल रहे हैं जी। जी शेख, मैं मुबारक बोल रहा हूँ बेंगलोर से। जी बोलो सर। शेख वक्त है एक दो तीन मिनट? जी बोलिए। शेख एक किताब पढ़ रहा था मैं, एक किताब में एक वाकया था, पाँव सुंद हो जाए तो क्या किया जाए। उसमें लिखा था कि अब्दुल रहमान बिन साद रजी अल्लाह तआला ने रिवायत किया है, इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला का पांव सुंद हो गया। तो किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारे नजदीक जो शख्स महबूब है उसका नाम ले लो। तो उन्होंने या मोहम्मद करके पुकारा। जी। तो ये शेख, ये समझ में नहीं आई बात। ये नहीं, मेरे को हजम नहीं आई बात। हाँ, अगर किसी ने ऐसा वाक्य लिखा है तो उस बुजुर्ग के बारे में क्या कहा जाएगा? अच्छा नहीं सर, मेरे को भी बात हजम नहीं हो रही हो, मतलब लिखना पड़ता वो। नहीं, अरबी मतन तो इतना ही है, आगे कुछ नहीं है। एक्चुअली वही मुश्किल होता है, वो जहाँ से लेते हैं हवाला दे तो तहकीक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साहबा का नाम लेके ऐसा बोलना। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग इस किस्म का वाकया अगर नकल कर दे तो बुजुर्ग के मुताबिक क्या कहा जाएगा? सर पहले हमें तहकीक कर लेना, उसके बाद उनके बारे में। पहले हमें इसी पे जब तक तहकीक नहीं करते उनके बारे में नहीं बोल सकते। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास क्या तहकीक, क्या सनद पहुँच को है, किस जरिए से पहुँच को है। अच्छा शेख, अगर तहकीक सही निकल गई, अगर समझो समझे कि तहकीक उनकी सही निकल गई, तब इस हदीस से मालूम यह होता है कि इनके शिर्क की दावत मालूम होती है ना शेख? एक्चुअली निकल गई तो ना ये, मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ, अगर निकल गई तो मैं ये बोल रहा हूँ बस, निकल गई तो शिर्क की दावत हो सकती है ना शेख? ऐसी जो चीजें रहती है तहकीक सही नहीं होती। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर निकल गई तो एक बात कर रहा हूँ सामने, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर निकल गई तो उनकी तहकीक क्या है बात, ये मतलब ये बात शिर्क की तरफ दावत देना हो जाएगा ना शेख? नहीं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, जो आप पे बात बोल रही हूँ बात की बात है। पहली बात क्या है, वो मैं अगर खाता तो बीमार पड़ता। जी जी जी, जो शर्त है नी, जवाब शर्त अरबी का कायदा है, अगर शर्त पाया जाता है तो जवाब शर्त पाया जाता है, अगर वो नहीं तो ये भी नहीं पाया जाता। वो जो होता तो वो बात की बात है, पहली बात साबित ही नहीं होता वो, ऐसी बात है, वो हमें जाना नहीं थी दूर तक। नहीं, अगर उन्होंने जैसा कि उन्होंने किताब में इस वाकये को नकल कर दिया है ना, तो इससे बात यही मालूम होती है ना कि उन्होंने किताब में लिखा है बात है। जिसने लिखा है उनकी अल्लाह हिफाजत करना ना शेख, अल्लाह हिफाजत करना। सर नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत जिम्मेदारी की बात है, अगर किसी एक का भी उस हदीस से वो क्या बोलते हैं यकीन बन गया तो अल्लाह का जवाब देना वाला होगा। अच्छा अच्छा, उनका नाम है, वो लिखने वालों का नाम है इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल नाम है उनका। इस्माइल, हाँ, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल नाम है उनका। किताब का नाम है अल अदब अल मुफरद, और ये मशहूर है। हाँ, अल अदब अल मुफरद वो। जी जी, ये मशहूर जो है इमाम बुखारी कहा जाता है इनको। नहीं नहीं, ये मशहूर जो है बुखारी के नाम से मशहूर है ये मोहम्मद, नहीं ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल जो है ना, ये बुखारी के नाम से मशहूर है, इमाम बुखारी कहा जाता है इनको। नहीं नहीं नहीं, अल अदब अल मुफरद के वही मुसन्निफ हैं शेख, मतलब हवाला गलत दे गए। नहीं नहीं शेख, किताबों में इसमें पीडीएफ में किताब है, नेट पे चक्कर लीजिए, किताब मौजूद है शेख। अगर उन्होंने लिखा है तो पूरी जिम्मेदारी से लिखा है, तो फिर इस बुजुर्ग के मुतालिक क्या कहा जाएगा, इमाम बुखारी के मुतालिक क्या कहा जाएगा, मुझे ये मालूम करना है। सही बात, मैं उसकी तहकीक मेरी नहीं उसके बारे में, मेरे को वक्त दे तो इंशाल्लाह मैं देख के बोलता हूँ आपको। जी ठीक ठीक है शेख, ठीक है, अब बाकी आप जो है तहकीक कीजिए, मैं आपको दो तीन दिन बाद फोन करूँ शेख। चलता इंशाल्लाह, एक्चुअली कल जुमा है, जुमा की तैयारी में लग जाता हूँ। हाँ जी ठीक है, अभी मेरे को एक मैं पीर को फोन करता हूँ शेख इंशाल्लाह। मैसेज नहीं, मैसेज कर दो जब तक मैं।